क्या हुआ सर? कपड़े फॉरेनर्स का वीजा खत्म होने के बाद रुकना नहीं, बाकी बातें यहाँ करें कि ऑफिस में। बातें बहुत कर ली सर, सीधा काम शुरू करते हैं। हराम खोरों की लंबी लिस्ट है। गोवा में ड्रग्स का मतलब है मानतू। माल लाने वाला, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला और पेडलर्स का पूरा रैकेट संभालने वाला यही है। ये फुटबॉल है, मानतू का बाया हाथ। सिर्फ खाल मोटी है, अकल नहीं। मानतू का मेन बिजनेस यही संभालता है। एडविन, इसको सिर्फ हम लोग जानते हैं। ये स्ट्रीट लेवल डिस्ट्रीब्यूशन संभालता है, लेकिन हर दो नंबर के धंधे की जानकारी रहती है इसको। फरेरा ब्रदर्स, लूक और केविन, मानतू के साथ कुछ लिंक्स हैं। कोई कोई डील्स करते हैं साथ में। ये दोनों भाई पॉलिटिकली कनेक्टेड। ये अकेला है, थाई बॉडीगार्ड है उनका। इनका कचरा यही साफ करता है, और इतनी सफाई से कि दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। चेन्नई में इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जो डॉक्टर जयराम अरेस्ट हुआ था, उसने अपने कन्फेशन में दोनों भाइयों का नाम लिया था, लेकिन बाद में उसने अपना कन्फेशन विड्रॉ कर लिया और दोनों भाइयों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ओवरस्टे करने वाले और वीजा एक्सटेंड करने वाले टूरिस्ट आजकल एक और कार्टेल का शिकार हो रहे हैं। पॉन शॉप्स में चीजें गिरवी रख के या बेच के वो दो एक दिन और गुजार लेते हैं गोवा। जब पैसा वापस नहीं कर पाते तो ये फॉरेनर्स बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं और पॉन शॉप ओनर्स और लोन शार्क्स के कहने पर ड्रग कार्टेल के लिए काम करना शुरू कर देते हैं या ऑर्गन हार्वेस्टर्स को किडनी बेच देते हैं। ये कुछ और छोटे छोटे कार्टेल्स हैं सर, बच्चों से भीख मंगवाने वाले, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और एक नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, कार्ला आंटी। ये आंटी छोटे छोटे बच्चों से भीख मंगवाती है और हम लोग ये आंटी अंकल के लिस्ट बनाते रहते हैं। हम जर्नलिस्ट नहीं, हम पुलिस वाले हैं संगठन। सर पुलिस वाले इससे तो हाथ बंधे हुए हैं। सर सफाई चाहिए तो केस वाटर टाइट होने चाहिए और हाथ खुले। खोल दिया समझो। आगे कोई भी कॉन्फ्रेंस मेजर अरेस्ट और कन्विक्शन के बाद ही होनी चाहिए। एक महीना, सिर्फ एक महीना सर। नाम नहीं सुना क्या? नहीं। पितले आगे से याद रखना। चल। हेलो। हाँ माल मिल गया। हाँ ले कह रहा हूँ। हाँ सर, फुटबॉल निकल रहे हैं सर, लेकिन वेटर तो आया नहीं बाहर। सर लेकिन ये तो आ रहा है ना। तुमने उस वेटर को बैग उठाते हुए देखा तो था ना? सर अभी हाँ बोलने के लिए भी टाइम नहीं है, ये भी गया तो गेम खत्म। सर बोलिए जल्दी क्या करूं। पंक्चर कर। निकल गया साला, एक महीने की मेहनत पे मुंह गया। गुस्सा गेंडे के लिए बचा के रखो, बिटेगा तो बताएगा माल कितना है। ऐसे बैट ऐसे ऊपर से नीचे आनी चाहिए, नहीं तो बॉल ऊपर जाती है। कहीं से बोल रहे यार, कुछ याद नहीं। आदमी मर भी सकता है। कितनी बार बताऊं? बाकी सब सही बताओ। पहनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसे क्यों गुस्सा रहा? गुस्सा मुझे आना चाहिए ना, इसकी वजह से मेरा इतना। आज तक गोवा में कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझ पे हाथ डाल सके। मजा आया योनर योनर सुनने में? मातू से बोल देना उसका टाइम भी आ गया है योनर योनर सुनने का। लेकिन सुन के वो बाहर नहीं आएगा, अंदर जाएगा और वहां से सीधा ऊपर। कहना उसे अब वहीं जाके कंस्ट्रक्शन कर। सारा माल घुमा दिया, तेरे को क्या लगा रही केविन? निकलिया ये दूसरा ला रे, गंदा हो गया है।
अनलकी है। केविन ने सेल्फ गोल मार दिया है? है? मंतू, बच्चे लोग पता लगा रहे हैं, जो भी थे मिल जाएंगे। मंतू, बच्चे लोग ढूंढ रहे हैं, मंतू मिल जाएगा। देख केविन, 1 करोड़ लोग इंडिया में चरस और अफीम फूंक रहे हैं, मेथ की मार्केट भी मजबूत है, और 10 लाख लोग हेरोइन और ब्राउन शुगर यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट का आंकड़ा है, और गवर्नमेंट की बड़ी मार्केट है, और इसकी शुरुआत तूने कैसे की? सैंपल घुमा के। 3 दिन रोक सकता हूं रूसियों को, उसके अंदर माल मिल जाना चाहिए, वरना तुम दोनों भाइयों की चारों किडनियां निकाल कर बेच दूंगा। ढूंढ ले, ढूंढ ले टकला।